सरोकार। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने खाया कर्नाटक की जीत का लड्डू, पत्रकारों से की कर्नाटक चुनावों को लेकर बात। जगदलपुर में जारी है भाजपा का विरोध प्रदर्शन, शराब घोटाले के विरुद्ध की प्रेस वार्ता। जगदलपुर में शव दफनाने वाली जमीन पर अवैध कब्जा, आक्रोशित ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अंबिकापुर में कपड़े की दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के से आग पर पाया गया काबू। जगदलपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का किया खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक की जीत का लड्डू खाया, साथ ही सीएम ने ये लड्डू कांग्रेस नेताओं को और पत्रकारों को भी खिलाया। रायपुर में हेलीपैड पर अन्य कार्यक्रमों में रवाना होने से पहले भूपेश बघेल ने मीडिया से बात भी की और कर्नाटक चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा की ये बड़ी हार है। सर, एक अहम सवाल है, कांग्रेस का जो परंपरागत वोट बैंक था, मुस्लिम, ओबीसी, दलित, ये कर्नाटक चुनाव में फिर से वापस आया, जेडीएस भी वहां थी, उसको ना देके कांग्रेस को। अब वो तो एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा, पूरा वोट गिनती हो जाने दीजिए और कौन सा वोट किस वर्ग को किधर गया है, वो जो चुनावी विश्लेषक है वो करेंगे, तब समझ आएगा। सर, कांग्रेस के लिए एक राहत की बात, लोगों के लिए क्या ये राहत की बात है कि अब आपको लगता है कि जनता जो है धीरे धीरे फैक्ट पे वोटिंग करेगी? बिल्कुल सही, अच्छा सवाल आपने पूछा है, और जनता अब अपने मुद्दों पर वोट डालना शुरू की। वहीं जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाले के विरुद्ध प्रदर्शन जारी है। वहीं पुतला दहन के बाद सारे जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने घोटाले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी, जिसमें केदार कश्यप ने नगरनार में पकड़ी गई अवैध अंग्रेजी शराब की भी निंदा की। मसाल रैली के माध्यम से वो यहां पर पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, उनकी अगुवाई में कार्यक्रम होना। पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के गायब हो गए और इनकी तथाकथित जो महारैली है, उस तथाकथित महारैली से पीसीसी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के कार्यक्रम से इनके कार्यकर्ता भी गायब हुए और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है इनके उसमें पार्टी में कार्यकर्ताओं का छोटा पड़ गया, कमी पड़ गई। छात्रावास के बच्चों को उन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित करवाया, मसाल रही में आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे उसमें झुलस गए, लेकिन कांग्रेस के सरकार और न किसी नेता ने एक शब्द नहीं बोला। वहीं जगदलपुर में ग्राम पंचायत सोनपुर के कोस्टगुड़ा वन भूमि कक्ष के नाम पर स्थिति भूमि पूरे गांव के शव दफनाने का काम आता है, जहां इस साल कवलसाय सोनसाय में वन भूमि को सीमांकन करने और कब्जा दिलाने के लिए तहसील वकावन में आवेदन पेश किया गया। वहीं आरआई और पटवारी द्वारा बिना गाँव वालों के जानकारी के सीमांकन कर दिया गया, जिसको लेकर अब कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ये ग्रामीण वासी सोनपुर गांव से आए हुए हैं, काफी समय से परेशान है इनको। आज करीब 250-300 की संख्या में जगदलपुर कलेक्टर पहुंचे
इनके द्वारा हमको संदेश मिला और हम लोग ने अपने प्रतिनिधि मंडल के रूप में अपने साथियों के साथ कलेक्टर साहब से मिला और हमने बात रखा कि ये विषय है जिसमें इस जिस जगह की विवादित जमीन है उसमें काफी समय से वर्षों से वहाँ पे गांव वाले लोग अपने वहाँ पे उसके उनके पुश्तैनी लोग लगातार वहाँ पे शमशान घाट के रूप में उस भूमि का उपयोग कर रहे हैं। पंचायत सोनपुर का है ये, करपौंड विकासखंड बकौंड विकासखंड का मामला है। इसमें ये जो देवांगन है कोई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके ये पट्टा बना लिया है और उस मांग को लेके, वो पट्टा निरस्त कराने की मांग को लेके गांव वाले यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये जो जमीन है मुख्य रूप से मरघट का भी जमीन है और सरकारी जमीन है। ऐसा कानून के अंतर्गत बिना ग्राम सभा के अनुमति के कोई भी अवैधानिक तरीके से पट्टा नहीं बना सकता। वहीं अंबिकापुर के रिहायशी इलाके के कपड़ा दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं स्थानीय लोगों की सूझबूझ से तत्काल नगर निगम की फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मामला अंबिकापुर के अंबेडकर चौक स्थित जय बालाजी वस्त्रालय का है। फायर ब्रिगेड को सूचना देने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने के बाद ही आग से हुए नुकसान का आकलन और आग लगने की वजह स्पष्ट हो सकेगी। अंबेडकर चौक में जो जय बालाजी वस्त्रालय है उसमें 3rd फ्लोर में आग लगने की खबर आई थी, तो तुरंत फायर ब्रिगेड और गांधीनगर थाने स्टाफ के साथ मैं पहुंच गया था इधर और अभी कार्रवाई चल रही है। अभी आग बुझ गई है लगभग और जो भी बचा है अभी उसमें और आग बुझाने का पानी डाला जा रहा है। कितने दमकल की गाड़ियां मौजूद? अब लगभग 3-4 गाड़ी तो आ गई है और अभी 4th गाड़ी से पानी डाला जा रहा है। वहीं जगदलपुर में चोरी के आरोपियों को पकड़ने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि आरोपियों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे। कुछ दिन पहले देवेंद्र ज्वेलर्स में चोरी हुई थी जिसमें चोरों के पास से 12 नग सोने की चैन मिली है। वहीं दोनों आरोपियों को उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। उस स्थान की तलाश करते हुए जब ट्रेस किया गया तो उस घर तक पहुँचे जिसमें इनने किराए का एक कमरा ले लिया हुआ था और वहाँ पर मकान मालिक को जो उन्हें अपना ब्यौरा दिया था, जो नंबर था, अन्य चीज़ों के माध्यम से, टेक्निकल साक्ष्य के माध्यम से उसमें जानकारी लगी कि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ वारदात करने के पूर्व आकर ये रह रहे थे और इस तरह से ज्वेलरी शॉप्स में रेकी करना और रेकी करने के दौरान छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।